Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. We'll start with the first one. अब यहाँ पे मैं इनको कवर करूंगा वन बाय वन अराउंड 20 इनपुट डिवाइस से. तो इसमें आपको क्या फोकस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट ऑफ एंड द फोरमोस्ट थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस का काम क्या है. नो इफ आई टेल यू स्टाइलस बोलूंगा तो यू शुड नो, पहले आपको पता होना चाहिए स्टाइलस है क्या, क्या चीज थी, चीज आपको पता होनी चाहिए उसकी फंक्शन क्या. तीसरी चीज आपको पता है वो दिखता कैसा है. दे माइट गिव यू द डिस्क्रिप्शन, वो आपको देंगे कि एन इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक दिस और जिसमें ये वो कौन सा है इन चार में से, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है. लाइक आई थिंक एफ ए, यस एफ ए के एग्जाम में उन्होंने डिजिटाइजर, वाज इट इन एफ ए, एफ ए में उन्होंने डिजिटाइजर पूछा था और वाज इट इन समवेयर एल्स एग्जाम, शायद आई थिंक एफ ए में उन्होंने पूछा था. तो उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने बेसिकली आपको बताया था कि एन इनपुट डिवाइस दैट हैज ए फ्लैट सरफेस एंड ए स्टाइलस थ्रू विच यू कैन ड्रॉ, और कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ था. यस, इस तरह को उन्होंने लिखा हुआ था वहां. तो अब वहां पे उन्होंने एक तो डिजिटाइजर दिया हुआ था, साथ में उन्होंने और एक ऑप्शन दिया हुआ था. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सा, बट एक और एक ऑप्शन भी था वहां पे. तो जितने स्टूडेंट्स जिनसे मैं मिला उस दिन, बहुत सारे उस दिन बोल रहे थे सर इसका ये आएगा, उनका कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि डिजिटाइजर यूजुअली नहीं पढ़ाते. और डिजिटाइजर एंड इनपुट, मैं आपको आगे डिजिटाइजर बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस क्या है. लेट मी कम टू दैट, पहले हम वन बाय वन को कवर करेंगे. तो मेरा मकसद जो बोलने का है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस दिखता है कैसा है, कौन सा इनपुट कैसा दिखता है, कौन से इनपुट डिवाइस के की क्या फंक्शनैलिटी है. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द कीबोर्ड. नाउ कीबोर्ड, यू मस्ट बी नोइंग दैट कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस में. दो है, एक तो है माउस यूज होते हैं, एंड यूजली पूछे जाते थे कि जो इन्वेंटर्स पहले पूछते थे, आप उतना नहीं पूछते. तो जो आप क्यूएलटी कीबोर्ड जो आपके पास सबसे मोस्ट वाइडली यूज है, उसके इन्वेंटर का नाम है क्रिस्टोफर लेथम शोल्स, एंड देयर वन मोर पर्सन बाय द नेम ऑफ सैमुअल डब्ल्यू. इन दोनों ने मिलके ये क्यूएलटी कीबोर्ड बनवाया था. ठीक है, नाउ यहाँ पे कीबोर्ड कैसा दिखता है, यू नो इट्स बेसिकली एक फ्लैट पैड सा होता है, उसके ऊपर कुछ कीज लगी होती हैं, ऐसा ये दिखता है. अब इसके थ्रू आप क्या देते हो, इसके थ्रू आप किस टाइप का इनपुट देते हो. अब इनपुट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनपुट टेक्स्ट हो सकता है, इनपुट कमांड हो सकती है, इनपुट वॉइस हो सकती है, एक विजुअल हो सकता है, या इनपुट कोई इमेज हो सकता है. तो इस तरह के बहुत टाइप के इनपुट्स हो सकते हैं. कीबोर्ड के थ्रू आप सिर्फ टेक्स्चुअल इनपुट ही दे सकते हो या कमांड दे सकते हो. ठीक है, वो भी ठीक है. टेक्स्ट इनपुट मतलब मैं लिख रहा हूं कुछ यहाँ पे, द यूजर कैन टाइप, इस तरह की. अब मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो वो एक कमांड बन जाएगी. ठीक है, कीबोर्ड है, इससे आप डेटा कंप्यूटर को दे सकते हो इन न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक और इन अल्फाबेटिक फॉर्म, जिसको हम अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं. तो यूजुअली वो पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू इनपुट द अल्फा न्यूमेरिक डेटा. अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक, मतलब ए से लेके जेड तक एंड जीरो से लेके नाइन तक, या नंबर्स, एक तो टेक्स्ट और दूसरा नंबर्स. तो कीबोर्ड के थ्रू हम टेक्स्ट और नंबर्स इनपुट कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक डेटा. ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस टू इनपुट द अल्फा न्यूमेरिक डेटा इज दिस कीबोर्ड, यू नो दिस. ठीक है, नाउ जो कीबोर्ड होता है उसका जो लेआउट होता है, लेआउट मतलब उसके ऊपर है, वो टाइपराइटर से लिया गया है. टाइपराइटर्स जो है वो उन्हीं से लिया गया है, एंड टाइपराइटर जो, क्योंकि कीबोर्ड जब कंप्यूटर के बने उससे पहले टाइपराइटर बने थे, एंड यू नो दैट टाइपराइटर्स में क्यूआरटी कीबोर्ड होता है, उसमें कीज जो है वो ऐसे होती है, देयर इज पहले क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी, ऐसे होता है. ठीक है, एंड इस वजह से क्योंकि टाइपराइटर्स के साथ लोग ऑलरेडी एक्वेंटेड थे तो यही लिया गया. फिर उसके बाद इसके अलावा भी कुछ है, देयर इज लाइक एजर्टी है, लेकिन ये फ्रेंच लैंग्वेज के लिए यूज होता है. जर्मन के लिए एक आता है जे यू सी के ई एन, उनमें पहले ही होता है जे यू सी के, ये जर्मन कीबोर्ड में होता है. तो अलग अलग कीबोर्ड्स हैं, बट मोस्ट वाइडली यूज्ड इज द क्यूआरटी, क्यूआरटी लेआउट. ठीक है, अब यहाँ पे शायद आपने पता सुना होगा ये कहीं पे कि
क्यों होता है, इसको ऐसे क्यों नहीं रखा ए बी सी डी करके जेड तक, क्योंकि जो टाइपराइटर था, टाइपराइटर में जब ऐसे ए बी सी डी करके ये कीज रखी गई थी, तो वो एक दूसरे का क्या होता था कि ए बी सी डी सबको याद है, तो जो टाइप राइट जो उनपे लिखते थे ना, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती थी। क्योंकि अगर मैं आपको ए बी सी डी वाला कीबोर्ड दूंगा तो आप फास्टर लिखोगे इन कंपैरिजन टू क्यूआरटी, क्योंकि आपको पता है ए यहाँ पे है, फिर बी सी डी इस तरह से। तो जो उनपे लिखने लगे थे लोग, वो इतना फास्ट लिखते थे कि उस टाइप राइटर में, अगर आपको पता होगा, उसके अंदर वो मे बी आपने देखा होगा, उसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि उसके अंदर ऐसे स्टिक्स होती हैं छोटी छोटी, जो उठ के ऐसे उठती हैं और पेपर पे ऐसे जो भी लेटर होगा वो ऐसे प्रिंट हो जाता है। तो वो एक दूसरे के साथ एंटेंगल होने लगी, वो जैम होता था उस वजह से, क्योंकि फास्ट लिखते थे बहुत ज्यादा। तो जो राइटर्स हैं उनकी स्पीड को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको जंबल कर दिया, ऐसे जंबल्ड ऑर्डर में डाल दिया, ताकि इनकी स्पीड थोड़ी कम हो और जो उसकी कीज है टाइपराइटर की, वो कीज एक दूसरे के साथ एंटेंगल ना हो। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट जनरल ट्रिविया था, यू वुड बी आस्क्ड अबाउट दिस। तो अलग अलग लेआउट होते हैं, देयर इज एजोरिटी, देयर इज दिस डोरैक, देयर इज जुकिन, लेकिन मोस्ट वाइडली यूज्ड इज द क्यूआरटी वन। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिवाइस है दैट्स कॉल्ड एज द कीबोर्ड कंट्रोलर। अब जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर एक कीबोर्ड कंट्रोलर होता है। कीबोर्ड कंट्रोलर का क्या काम होता है? कीबोर्ड कंट्रोलर बेसिकली कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में होता है। तो जब भी आप कोई की प्रेस करते हो, जब भी आप कोई की प्रेस करते हो, कंट्रोलर क्या करता है, कीबोर्ड कंट्रोलर की के लिए एक कोड होता है। मैंने आपको बताया कि हर एक की के लिए एक कोड होता है, तो कीबोर्ड कंट्रोलर की के कोड को एक बफर में स्टोर कर, क्या है बफर, क्या है बफर इज बेसिकली कीबोर्ड के साथ एक छोटी मेमोरी लोकेशन होती है जो टेम्पोरली उसको स्टोर करती है। तो कीबोर्ड कंट्रोलर का काम क्या है कि जैसे ही कोई की प्रेस की जाती है, वो कीबोर्ड से जो डेटा आता है या उससे जो की प्रेस की गई है, उसका कोड वो पहले बफर में स्टोर करेगा, उसके बाद वो सीपीयू को एक इंटरप्ट भेजता है, सीपीयू को बेसिकली एक सिग्नल भेजता है कि ये वाली की जो है वो प्रेस हो गई है। तो इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट इज बेसिकली ए सिग्नल फ्रॉम ए डिवाइस आउट इनपुट आउटपुट डिवाइस से टू द सीपीयू और टू द प्रोग्राम। ठीक है, दैट रिक्वायर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टॉप एंड फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। बेसिकली कीबोर्ड कंट्रोलर जो है वो एक इंटरप्ट रेज करता है, इसका मतलब है वो सीपीयू को एक सिग्नल भेजता है कि की प्रेस हो गई है, की प्रेस हो गई है, अब तुम बताओ इसको क्या करना है। तो जैसे ही सीपीयू को वो सिग्नल मिलती है, इंटरप्ट मिलता है, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली इस बफर में जो डेटा होगा उसको लेके आएगा मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड कंट्रोलर जो है ये एक डिवाइस है जो कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में होता है, जो कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में होता है। इसका काम होता है, एक काम होता है इसका कि सीपीयू को बताना कि कौन कब कौन सी की प्रेस हो गई है। दूसरा काम यह है कि जैसे ही कोई की प्रेस होती है, उस का कोड या उस की का में जो डेटा होगा उसको स्टोर करवाना कहाँ पे, बफर के अंदर। ठीक है, ठीक है, आई होप दिस क्लियर टू नाउ। नाउ कीबोर्ड के अंदर वी हैव सो मेनी कीज, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी कीज है, इनको हमें वन बाय वन पढ़ना है, इनकी फंक्शंस को हमें पढ़ना है। द फर्स्ट इज द अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक मतलब आपके अल्फाबेट ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट है, तो ये लेटर्स सारे 26 हो गए। इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 से लेके 9 एंड 0, टोटल 10 हो गई। तो ये 26 और ये 10, ये 36 कीज जो है इनको हम कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज, क्योंकि इनके थ्रू आप अल्फाबेट और न्यूमेरिक डेटा एंटर कर सकते हो। तो इनका काम क्या है, सिंपल है, इनके थ्रू आप डेटा एंटर करते हो, अल्फा न्यूमेरिक डेटा एंटर करते हो। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, दिस इज योर अल्फा न्यूमेरिक की, सेकेंड इज दिस, इसको हम न्यूमेरिक की पैड कहते हैं। एक तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4। ये आप देखोगे कि जो कीबोर्ड्स हैं उनमें ये होता है, लेकिन आजकल के जो छोटे लैपटॉप्स आते हैं यूजली 14 इंच या उसके नीचे जो होते हैं ना, उनमें ये आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इनका काम यूजली क्या होता था कि आपने लिखा होगा बैंक्स में जो जब वो अमाउंट एंटर करते हैं ना, उनको नंबर्स के साथ बहुत काम होता है, तो वो इसी कीबोर्ड का यूज करते हैं। इसका अगर आप लेआउट देखोगे ना, तो ये कैलकुलेटर के साथ मैच करता है, कैलकुलेटर में ऐसी कीज हुआ करती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो न्यूमेरिक की पैड क्या है, न्यूमेरिक की पैड इज बेसिकली हम कह सकते हैं दीज आर नंबर्स फ्रॉम 0 से लेके 9 तक, जो कि यूजली राइट साइड में होता है जिसमें डिजिट्स होते हैं,
इसको नमपैड भी कहते हैं, और ये यूजली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है इसके, क्योंकि इसमें साथ में यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें यहीं पे दी हुई है। ठीक है, तो यूजली न्यूमेरिक कीपैड का काम होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। बैंक में यूजली हमें करना पड़ता है ना बहुत सारे, उनको मैथ्स करना पड़ता है प्लस माइनस एटसेट्रा, तो इस वजह से उनके लिए ये सेपरेट रखा गया। अब ये बैंक वालों के लिए नहीं है, आप भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसमें आप याद रखो दैट न्यूमेरिक कीपैड क्या है, न्यूमेरिक कीपैड इसको हम नम पैड भी कहते हैं, याद रखो इसको नम पैड भी कहते हैं। इट इज सेपरेट, यहाँ पे राइट साइड में दिखता है आपको, इसमें कीज होती है जो जिन पे नंबर्स होते हैं, इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं साथ में। ठीक है, और इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इसको लॉक और अनलॉक करने के लिए यहाँ पे एक की है बाय द नेम ऑफ नम लॉक, यू कैन सी हियर। अगर मैं चाहता हूं कि ये डिसेबल हो जाए, डिसेबल मतलब मैं अगर ये की प्रेस करूं कोई भी इनमें से तो वो काम ही ना करे, तो उसके लिए मैं इस नम लॉक को दबाता हूं। तो जैसे मैंने नम लॉक को दबाया, अब ये काम करना बंद करेगा। जब मैं इस नम लॉक को फिर से दबाऊंगा, ये फिर से ऑन हो जाएगा। अब मैं यहां से जो भी एंटर करना हो वो कर सकता हूँ की प्रेस करके। ठीक है, तो न्यूमेरिक की पैड या नम पैड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए नम लॉक की होती है, नम लॉक की होती है जो कि एक टॉगल की है। टॉगल की मतलब जिसकी फंक्शन रिवर्स होती है जब भी आप उसको प्रेस करते हो। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको एक बार प्रेस किया तो ये ऑन हो ऑफ होगा, अगर फिर से प्रेस किया तो ये ऑन होगा, फिर से प्रेस किया तो ऑफ हो जाएगा, फिर से प्रेस किया तो ऑन हो जाएगा। तो नम लॉक इज बेसिकली अ की दैट एक्टिवेट्स एंड डीएक्टिवेट्स दिस न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, इतना समझ आया आपको। देन वी हैव द फंक्शन कीज। नाउ फंक्शन कीज आर एट द टॉप, यू कैन सी हियर F1 से लेके F12 तक 12 कीज हैं, F1 F2 करके F12 तक। दीज आर फंक्शन कीज एंड दीज आर प्रोग्रामेबल कीज। प्रोग्रामेबल मतलब इनको हम कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, हम मतलब कौन, इनको जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो अपने हिसाब से इनको फंक्शन दे सकते हैं। मतलब किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते वक्त F1 प्रेस करने से कोई काम होगा, इसी F1 को किसी सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को जब आप यूज कर रहे होंगे तो F1 प्रेस करने से कोई दूसरा काम होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोग्रामेबल है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के बनाने वाले ने इनको अपने हिसाब से फंक्शन दिया हुआ है। तो फंक्शन कीज क्या है, दीज आर प्रोग्रामेबल कीज दैट कैन बी असाइंड सम स्पेसिफिक फंक्शन, और इनको कोई भी काम दे सकते हैं जो कि इनको सॉफ्टवेयर डेवलपर देता है। एंड दीज आर नंबर्ड फ्रॉम F1 टू F12। जैसे आपने देखा होगा ना मे बी कि F1 अगर वर्ड में प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर एक्सेल को यूज करते हो F1 दबाते हो तो उससे क्या होगा। तो अलग अलग प्रोग्राम्स में इनकी अलग अलग फंक्शन होती है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चार कीज जिनको हम कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं, जिनको एरो कीज भी कहते हैं। यहाँ पे अप एरो है, ये डाउन एरो है, ये लेफ्ट एरो है, ये राइट एरो है। तो इनसे क्या है, इनसे आप एरो को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, एरो को सॉरी कर्सर को ऊपर नीचे कर सकते हो, इसलिए इनको कर्सर कंट्रोल कीज कहते हैं। ठीक है, या आप इसे क्या कर सकते हो, पेजेस जैसे अभी ये वाला पेज है ना, अब मुझे इससे पहले वाला पेज चाहिए तो मैं ये वाली की प्रेस करूंगा, तो इससे आप पेजेस भी राइट लेफ्ट इनसे जा सकते हो। ठीक है, तो कर्सर कंट्रोल क्या है, ये चार कीज होती हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, जो कि इन्वर्टेड टी की फॉर्म में होती है, आप देख सकते हो ना उल्टा टी जैसे है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके अलावा जो कीज है उनमें एक तो होम की है, वी हैव हियर होम की, वी हैव हियर पेज अप, वी हैव हियर पेज डाउन, वी हैव हियर एंड की। इसके अलावा डिलीट और इंसर्ट भी होती है। ठीक है, होम की का काम ये होता है, ये कर्सर को ले जाता है बिगिनिंग ऑफ द लाइन में। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं हूँ, अगर इफ राइट right, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल इट्स राइट हियर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं होम की दबाऊंगा ना तो होम जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो होम की का काम है इट टेक्स द कर्सर फ्रॉम द टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, जहां पे भी कर्सर होगा वहां से बिगनिंग ऑफ द लाइन में लेके जाएगा, या कहीं पे इन सम एप्लीकेशन ये बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब बिल्कुल डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में लेके जाएगा होम। ठीक है, एंड जो है ये कर्सर को एंड ऑफ द लाइन तक लेके जाएगा। सिंपल है, सर थोड़ा जूम आउट कीजिए। ठीक, जूम आउट करना है या जूम इन करना है, आपको ये दिख रहा है ना किसमें, कीबोर्ड वाले में यहां जूम जूम करना है, मुझे यहां जूम करना है। मैं जूम करूंगा जहां पे मेरा फील में, मैं जूम करूंगा, कोई बात नहीं।
देन वी हैव द पेज अप एंड द पेज डाउन. नाउ पेज अप जो है, अगर आप इसको प्रेस करोगे, आप जो बेसिकली एक पेज ऊपर जाएगा, मतलब राइट देयर, इससे पहले वाला पेज आ गया. पेज डाउन जो है, इससे नीचे वाला पेज आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, कर्सर जो है नेक्स्ट पेज में जाएगा. ठीक है, तो होम से कर्सर जाता है लाइन के बिगिनिंग में, एंड से जाता है लाइन के एंड में. पेज अप से जाता है कर्सर बैक पेज पे, इससे पहले वाले पेज पे, और पेज डाउन से जाता है नेक्स्ट पेज के ऊपर. ठीक है, इतना समझ आया आपको. नेक्स्ट इज कुछ और कीज है, वी हैव द कंट्रोल की. यहाँ पे तीन कीज है, कंट्रोल, ऑल्ट एंड शिफ्ट. अभी तक जो आपने कीज देखी उनको एक बार प्रेस किया हमने तो कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट जो है इनका अकेले कोई काम नहीं है. लाइक अगर मैं यहाँ पे, अगर आप कंट्रोल दबाओगे ना कहीं पर भी कुछ नहीं होने वाला, शिफ्ट दबाओ कुछ नहीं होगा, ऑल्ट दबाओ कुछ नहीं होगा. इनको यूज करने के लिए आपको इनको कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है. मतलब आपको एक तो ये की दबानी है, एक तो कंट्रोल दबाना है, साथ में कुछ और दबाना है. लाइक इफ आई प्रेस कंट्रोल एस तो तब ये सेव करेगा, तब ये काम करेगा. तो इस वजह से इन तीन कीज को हम कहते हैं, ठीक है, दीज थ्री कीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन कीज. ठीक, मॉडिफायर कीज भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल की जो है, कंट्रोल की इस यहाँ वहां पे CTRL लिखा होता है. ठीक है, कंट्रोल की जो है ये एक कॉम्बिनेशन की है, या आप मानो ये एक मॉडिफायर की है. क्यों? क्योंकि ये अकेले काम नहीं करती है, ये बाकी कीज की फंक्शन को मॉडिफाई करती है. लाइक एस जो है यहाँ पे, एस यूजली प्रेस करने पे एस यहाँ पे लिखा जाएगा. ठीक है, अगर मैं एस प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एस आएगा, लेकिन अगर मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो उससे यहाँ एस नहीं आएगा, बल्कि उससे डॉक्यूमेंट सेव होगा. तो ये कंट्रोल जो है, या ऑल्ट जो है, या शिफ्ट जो है, ये बाकी कीज की फंक्शन को मॉडिफाई करता है. तो इस वजह से इसको मॉडिफायर की कहा जाता है. देन देयर इज ऑल्ट की. ऑल्ट का मतलब ऑल्टरनेट होता है, ऑल्ट का मतलब ऑल्टरनेट होता है. ऑल्ट भी सेम उसी तरह जो कीज है उनकी फंक्शन को मॉडिफाई करता है. ठीक है, लाइक ऑल्ट एफ फोर, ऐसे अगर मैं F4 दबाऊंगा, अगर ऐसे ऑल्ट दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा. F4 अगर मैं अकेले दबाऊंगा तो F4 से मे बी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ब्राइटनेस काम होगी, या इसका काम होगा जो फंक्शन दी हुई होगी, जो हमने देखा अभी प्रोग्रामेबल की है. लेकिन अगर मैं ऑल्ट F4 दबाता हूँ तो उससे दूसरी एक फंक्शन हो जाएगी. इसके बाद यहाँ शिफ्ट की. शिफ्ट की एक इम्पॉर्टेंट की है, वो कैसे है. यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे कुछ कीज है, लाइक वन जो है, वन पे एक तो वन लिखा हो ऊपर, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. ठीक है, टू है यहाँ पे, टू के ऊपर यहाँ एट द रेट है. थ्री है, थ्री के ऊपर हैश है. तो अगर मैं थ्री दबाऊंगा तो थ्री आएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस की के ऊपर जो लिखा है, ये जो ये हैश लिखा हुआ है, अगर मैं इस हैश को प्रिंट करना चाहता हूं तो मुझे शिफ्ट और थ्री दबाना पड़ेगा, शिफ्ट और थ्री दबाना पड़ता है. तो शिफ्ट का मतलब है, कि ऐसी कीज जिन पे एक से ज्यादा सिंबल्स होते हैं, वो वाली कीज जिन पे एक से ज्यादा सिंबल्स होते हैं. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा आपको, दिस इज ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, लेकिन कर्ली वाला ये स्ट्रेट वाला है. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है क्लोजिंग वाला. तो अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट होगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये कर्ली वाला है तो मुझे शिफ्ट दबाना पड़ेगा. ठीक है, ये समझ आ रहा है. तो शिफ्ट की जो है, शिफ्ट की बेसिकली उन कीज के साथ यूज किए जाते हैं जिनमें एक से ज्यादा सिंबल्स होते हैं. और अगर आप ऊपर वाले सिंबल, मतलब ऊपर वाला सिंबल मतलब सिक्स के ऊपर ये है ना कैप है, अगर आप इस सिंबल को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको शिफ्ट कॉम्बिनेशन में सिक्स दबाना होगा, शिफ्ट प्लस सिक्स दबाना होगा. ठीक है, समझ आया आपको. अकेले इसका कोई काम नहीं है, इट्स जस्ट टू प्रिंट द लेटर और द सिंबल दैट इज प्रिंटेड और दैट्स ऑन द अपर साइड ऑफ ए की. ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन की कहते हैं. अब यहाँ पे एंटर की है, एंटर की नेक्स्ट वाली की है ये. एंटर का और एक नाम है रिटर्न की, पूछा जाता है दैट रिटर्न की किसको कहता है, रिटर्न की एंटर की को कहते हैं. एंटर की का यूजली काम है कि जब आप कुछ टाइप कर रहे हो तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन अब आए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ तक टाइप किया ना, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए तो मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा. या अगर मुझे कोई चीज सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए मुझे एंटर की यूज होती है. तो इट्स यूज टू फिनिश एन एंट्री. मतलब अगर मैं एक्सेल में, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल देखा है ना आपने, उसमें सेल्स होती हैं जिनमें हम लिखते हैं. ठीक है, इस तरह की सेल्स होती हैं. तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस सेल में कुछ लिख रहा हूँ
तो अब मैं चाहता हूँ कि बस इसमें इतना ही लिखना है, अब मुझे नेक्स्ट में लिखना है। तो जैसे मैं एंटर दबाऊंगा ना, तो मेरा कर्सर या जो एंड है वो अब इसमें लिखना स्टार्ट करेगा। तो एंट्री जो इसमें है वो फिनिश हो गई, अब वो इसमें आएगा। वो किससे हुआ? पर एंटर से हुआ, ठीक है। या टू बिगिन द न्यू एंट्री इन अ डॉक्यूमेंट, या टू बिगिन ए न्यू लाइन न्यू पैराग्राफ, उसके लिए एंटर, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको रिटर्न की भी कहते हैं, ये आप याद रखोगे, रिटर्न की एंटर की को कहते हैं। इसके अलावा वो याद है एस्केप की, एस्केप की जो है ये कैंसिल करने के लिए। अभी जो स्लाइड शो चल रहा है आपके सामने, अगर मैं एस्केप दबाऊंगा ना तो ये स्लाइड शो बंद हो जाएगा। तो जो ऑपरेशन, जो काम अभी आप कर रहे हो, अगर आप वो खत्म करना है, वो आपको अबॉर्ट करना है, फिनिश करना है, कैंसिल करना है, तो उसके लिए आपकी एस्केप की है, ठीक है। एस्केप की जो है, दैट्स राइट हियर, ये सबसे पहली की होती है कीबोर्ड के ऊपर, टॉप पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एस्केप की होती है, राइट हियर। देन वी हैव द बैक स्पेस एंड डिलीट, दो कीज है। एक तो ये है, ये देख रहे हो आप, एरो दिख रहा है इस तरफ, इस पे बैक स्पेस भी लिखा होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। दूसरा है डिलीट, वो यहाँ पे है। तो दोनों जो है ये डिलीट करने के लिए काम आते हैं, जब आप कुछ लिख रहे होते हैं ना, लेकिन इनका अलग अलग काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कर्सर है राइट हेयर, ये दिख रहा है, दिस इज माई कर्सर। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है मतलब ये डॉट है ना, इसके लेफ्ट साइड में, मैं इस डॉट को इरेज करना चाहता हूँ, तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा। अब मेरा कर्सर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, अब यहाँ पे समझो आप, इसके लेफ्ट साइड में, कर्सर के लेफ्ट साइड में ये कॉमा है, इसके ये दिख रहा है आपको, कर्सर ये है, कर्सर के लेफ्ट साइड में कॉमा है, इसके राइट साइड में डब्ल्यू है। अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो कॉमा इरेज हो जाएगा, लेकिन अगर मैं डिलीट दबाऊंगा तो डब्ल्यू डिलीट हो जाएगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो बैक स्पेस है, इससे कर्सर के लेफ्ट साइड में डिलीशन होता है या लेफ्ट साइड में इरेजिंग होती है, लेकिन जो डिलीट की है उससे कर्सर के राइट साइड में इरेजिंग होती है। मतलब अगर मैं यहां से डिलीट दबाना स्टार्ट करूंगा ना, पहले एच जाएगा, फिर आई सी, इस तरह से ये सारे इरेज हो जाएंगे, लेकिन अगर बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये वाली साइड जो होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपकी डिलीट की भी हो गई। देन वी हैव द कैप्स लॉक, इंपॉर्टेंट की है एक कैप्स लॉक करके, कैप्स लॉक इज राइट हियर, यहाँ पे आपको कैप्स लॉक दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आप याद रखोगे, मे बी टुमारो ये पूछे जाते हैं कि कंट्रोल जो होते हैं यूजली दो कीज होती हैं, ऑल्ट भी दो कीज होती हैं, शिफ्ट भी दो कीज होती है, एंटर एक ही होता है, ऐसी बैक स्पेस एक होता है, टैब एक होता है, और कैप्स लॉक एक होता है। ऑल्ट यूजली, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट, ये दो दो होते हैं, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट यूजली कीबोर्ड पे दो दो होती हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। यहाँ पे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक, कैप्स इज कैपिटल्स, जो जब आप लिखते हो ना, अगर आप कैपिटल में लिखते हो ना, ठीक है, या स्मॉल में लिखते हो, तो कैप्स लॉक जो है ये, इसमें अगर क्वेश्चन वो पूछेंगे ना टुमारो, दे माइट एस्क यू दैट कि विच आर द फॉलोइंग कीज कॉज द लेटर्स ऑफ ए बाइकैमरल स्क्रिप्ट टू बी जनरेटेड इन अपर केस। तो जो मैंने ये बोला वो शायद कुछ को समझ ना आए, क्योंकि मैंने बाइकैमरल स्क्रिप्ट बोला, मैंने अपर केस बोला, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। बाइकैमरल स्क्रिप्ट मतलब वो स्क्रिप्ट या वो लैंग्वेज जिनके स्क्रिप्ट में दो केसेस होते हैं, मतलब एक तो होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल। जैसे इंग्लिश में वही है, आप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसमें दो स्क्रिप्ट है हमारी, एक कैपिटल एक स्मॉल। लेकिन अगर आप उर्दू में देखोगे, इन उर्दू वी हैव द यूनिकैमरल स्क्रिप्ट, हमारा अलिफ पे इस तरह से है, वी डोंट हैव कैपिटल अलिफ और स्मॉल अलिफ नहीं होता है, छोटा अलिफ बड़ा अलिफ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कैपिटल में जो मैं लिख रहा हूँ, कैपिटल में जो मैं लिख रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें लिखूँ, स्मॉल में लिखूँ, तो उसके लिए मुझे कैप्स लॉक दबाना है। तो ये भी आप याद रखो, ये भी एक टॉगल की है। टॉगल की मतलब एक बार मैंने दबाया तो कैपिटल में लिखना शुरू, दूसरी बार मैंने दबाया तो अब स्मॉल में लिखना शुरू, फिर से मैंने दबाया तो अब कैपिटल में लिखना शुरू। तो ये टॉगल की है, मतलब हर एक प्रेस से इसका जो प्रीवियस एक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ आया। तो इससे हम टॉगल कर सकते हैं, वी कैन टॉगल, टॉगल मतलब शिफ्ट करना, ठीक है। वी कैन टॉगल बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस, अपर केस मतलब कैपिटल, लोअर केस मतलब स्मॉल और कैपिटल के बीच में वी कैन स्विच बिटवीन द अपर केस एंड लोअर केस यूजिंग दिस कैप्स लॉक, ठीक। इसके अलावा हम शिफ्ट से भी कर सकते हैं, शिफ्ट, अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा और डी दबाऊंगा, एक एक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पे कैपिटल डी लिखना है ना, तो मैं पहले कैप्स लॉक दबाऊंगा फिर मैं डी दबाऊंगा, तो उससे आएगा ये कैपिटल डी। और एक तरीका है, मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा और डी दबाऊंगा तो उससे कैपिटल डी आएगा। तो दो तरह से हम कैपिटल में लिख सकते हैं। देन वी हैव द नम लॉक की, नम लॉक की मैंने आपको बताया,
नमलॉक की जो है वो यहाँ है, एंड दिस नमलॉक की इज यूज टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट दिस न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। देन वी हैव द विंडोज की, विंडोज की जो है विंडोज की यहाँ होती है, विंडोज की इज राइट हियर, ये जो दिख रहा है ना आपको विंडोज का आइकन होता है, ये क्लियर नहीं दिख रहा है बट ये विंडोज का आइकन यहाँ पे दिखता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट होता है। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, बेसिकली स्टार्ट मेन्यू में भी आपने यहाँ पे देखा होगा ना कहीं पे, यहाँ पे एक विंडोज आइकन होता है, उस पर क्लिक करते हो आप तो सामने आ जाता है आपके, लेट मी शो यू, नहीं मैंने विंडो वो वाली शेयर नहीं की हुई है, तो वो स्टार्ट मेन्यू, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टार्ट मेन्यू क्या होता है जब हम विंडोज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी हैव द स्पेस बार, स्पेस बार इज द लॉन्गेस्ट की, यू नो स्पेस बार ये है, इससे हम स्पेस डाल सकते हैं जब हम लिख रहे हैं। देन वी हैव द टैब की, टैब की इज राइट हियर, लेफ्ट में होती है, ये टैब की है, दिस इज टैब की राइट हियर, एंड टैब की से क्या होता है, टैब की से आप मल्टीपल स्पेस डाल सकते हो, यूजली चार स्पेसेस एक साथ डाली जा सकती है, यहाँ हम कहते हैं कि इससे आप क्या करते हो, इससे आप इंडेंट डाल सकते हो, इंडेंट मतलब इंडेंट कहते हैं इसको, जब आप पैराग्राफ लिखते हो ना, नया पैराग्राफ जब आप लिखते हो तो क्या करते हो, आप चार पांच स्पेसेस छोड़ के लिखते हो ना, तो उसको हम इंडेंट कहते हैं, उसको हम इंडेंट कहते हैं, दिस राइट हियर इज एन इंडेंट। अगर आप लिख रहे हो और आप चाहते हो कि आप मुझे ये चार पांच स्पेसेस छोड़नी है, तो आप टैब दबाते हो, समझ आया, तो टैब से आप चार पांच स्पेस एक साथ डाल सकते हो, या हम कह सकते हैं इससे हम इंडेंट डाल सकते हैं, इंडेंट कहते हैं इसी चार पांच स्पेस को, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम वी विल जस्ट फिनिश दिस कीबोर्ड, ये लास्ट स्लाइड है क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है। देन यहाँ पे क्यूआरटी कीबोर्ड जो होते हैं यूजली उसमें 101 कीज होते हैं, कुछ में 87 होते हैं, क्योंकि कुछ में जो नम पैड है वो मिसिंग होता है, ठीक है। अब कैप्सलॉक और नम लॉक जो है इनको हम टॉगल कीज कहते हैं, क्योंकि कैप्सलॉक और नम लॉक को दबाने से एक बार दबाओगे तो दूसरी बार दबाओगे तो प्रीवियस एक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद जो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट है ये मॉडिफायर कीज है, क्योंकि इनका खुद का कोई काम नहीं है, ये बस दूसरे कीज की फंक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको।